हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 के लिए जो आपकी आवेदन करने की तिथि है वो आपकी 21 अगस्त शाम 6 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है, और जो आपकी फीस सबमिट करने की तारीख है वो आपकी 22 तारीख है। आज आपकी 21 तारीख है और आज आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो समाप्त हो गई है। अब जिन लोगों के फॉर्म नहीं पढ़ पाए हैं क्या उनके लिए फिर से इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा? जिन छात्रों की फीस कट गई है, उनका पूरा फॉर्म नहीं भर पाया है, क्या उनका पूरा फॉर्म भरेगा या उनका शुल्क रिफंड होगा? साथ ही जिन लोगों का आवेदन हो गया है तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया कब से प्रारंभ होने वाली है, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोग भी 2023 में UPSC पैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं मार्केट की एक सबसे बेस्ट बुक। यह किताब आपकी चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस किताब में आपको 2200 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 6 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे और पुराने वर्षों में जैसे पेपर पूछे जाते हैं उसके अनुसार ही आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ के साथ पूरा सिलेबस भी इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस किया गया है और उसके साथ ही पुराना जो पेपर है उसको भी यहाँ यहाँ सॉल्व करवाया गया है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर आप इनके प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो उनके प्रैक्टिस सेट भी हैं। अपनी तैयारी को और धार देने के लिए आपको ये आकलन हो जाएगी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे आज एक अखबार के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ यहाँ दी गई है कि आवेदन प्रक्रिया में सर्वर का बहुत बड़ा रोड़ा है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे पिछले 3 या 4 दिन से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका शुल्क कट गया है, उनका फॉर्म नहीं भर पा रहा है। कई छात्र ऐसे हैं जिनका केवल रजिस्ट्रेशन हो गया है, ना तो उनकी फीस सब कट पाई है और ना ही उनका फॉर्म पूरा भर पाया है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस समय डीएलएड करने वालों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है। तो जितने भी छात्र डीएलएड के लिए आवेदन कर रहे हैं वो लोग इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएलएड की क्लासेस, कैसे पढ़ाई होती है, क्या शेड्यूल रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो ये कुछ है, शिकायतें भी कर रहे हैं छात्र और इसमें सुधार की भी बात की गई है। अब सबसे बड़ी बात उठती है, क्या ये परीक्षा जो आपकी आवेदन तिथि है क्या इस तिथि को बढ़ाया जाएगा? संभावना तो यही है कि आपकी जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और बढ़ाया जा भी सकता है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, फीस कट गई है, लेकिन आवेदन नहीं हो पाया है। तो PNP को भी इस बात की जानकारी है और जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उन्होंने भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है, दूरभाष के माध्यम से भी सूचित कर दिया है कि हमारे यहाँ ऐसे छात्र हैं जो अभी वंचित रह गए हैं, तो इस तिथि को अभी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 2 बार तिथि बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी संभावना है कि 1 बार तिथि आपकी बढ़ेगी, और अगर अब बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 5-7 दिन के लिए इस तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जिन छात्रों की फीस कट गई है उनके लिए अभी डेट बढ़ाई जाएगी तो अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। यदि नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी कंडीशन में तो आपका शुल्क रिफंड हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपकी जो आवेदन प्रवेश प्रक्रिया है वो आपकी अगस्त माह में तो आपके आवेदन ही चलने वाले हैं, सितंबर माह में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और इसके बाद आपके प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अगर आवेदन कर दिया है यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो वो लोग 22 तारीख तक फीस को जमा कर सकते हैं, और प्रिंट जो आपको लेना है वो 24 तारीख तक प्रिंट ले सकते हैं। जिन लोगों ने आवेदन कर लिया है तो वो अपना प्रिंट अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि प्रिंट आपका बहुत समय तक काम आने वाला है। जो विद्यार्थी ऐसे हैं अगर हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मनीष अकेडमी आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे वहाँ आपको मिल जाएगा। नीचे इसमें हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी ऐड कर रखा है जहाँ आप अपनी बात पूछ सकते हैं, वहाँ आपके डीएलएड के जितने भी साथी हैं, सीनियर जूनियर जितने भी नए प्रवेश लेने वाले हैं सभी एक जगह जुड़े हुए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां निसंदेह उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो विद्यार्थी ऐसे हैं चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और आपको इस ऐप पर यह पता चलेगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसा पेपर आता है, आपका सिलेबस क्या है, आपकी पुस्तकें कौन कौन सी रहने वाली हैं। तो इस एप्लीकेशन पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो जितने भी विद्यार्थी डीएलएड करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं।
वरना फिर आपसे भेंट होगी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।